हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जब से मायके से ससुराल आई हूँ ना, आज ये मेरा पहला वीडियो है। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। सारे त्यौहार, जैसे हमारा करवा चौथ हो गया, दीपावली और धनतेरस हो गया, फिर भाई दूज, गोवर्धन पूजा, तो उसमें बहुत सारी साड़ियाँ लगती हैं। तो आज मुझे कुछ साड़ियों का मैं कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो साड़ियाँ मुझे मेरे मायके में मिली हैं। तो मैंने सोचा इसी बहाने एक पंथ दो काज हो जाएंगे, आपको अपने मायके की साड़ियाँ भी दिखा दूँगी, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वीडियो कि आप कैसी साड़ियाँ कैरी कर सकते हो कौन से त्यौहार में। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और ब्लाउज कलेक्शन भी बहुत जल्दी मैं डालने वाली हूँ, सूट का मतलब, उसको मैं 2-3 दिन में डाल दूँगी। उसका ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो भी आ जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज के गले आप कैसे बनवा सकते हो, तो इसके लिए भी परसों या फिर कल 2-3 दिन में आ जाएगा। तो प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो सबसे पहली साड़ी मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है कुछ ऐसी साड़ी कॉटन में। अगर आप कॉटन साड़ी पहनना पसंद करते हो या फिर आप कॉटन कैरी करना चाहते हो, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप थिन हो और काफ़ी ज़्यादा लंबे हो, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी, मतलब थोड़ा सा भरा भरा लुक भी आएगा और साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती हैं ये साड़ियाँ। तो ये कॉटन साड़ी है और इसमें जरी और थ्रेड वर्क है। तो ये आप देख सकते हो, ये वाला जरी वर्क और ये थ्रेड वर्क, रेशम वर्क है एक्चुअली, तो रेशम वर्क है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। और इसका ब्लाउज ना मैरून कलर में है, जो कि इस पर बहुत सुंदर जाता है। तो आप कुछ ऐसी साड़ियाँ कैरी कर सकते हो, आप ऑफलाइन शॉप में, सॉरी मतलब आप मार्केट में भी देख सकते हो, ऐसी साड़ियाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस में मिल जाएंगे, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। आई होप कि वहाँ पे भी ऐसी साड़ियाँ होंगी, क्योंकि आजकल जो शॉप में मिलेगा वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ये रही पहली साड़ी जो कि मुझे मिली है मेरे घर से, मेरी मम्मी ने दी है। और दूसरी साड़ी, तो ये है सिल्क की साड़ी और इसमें भी सेम वही वर्क है, जरी वर्क है जो, और ये साड़ी ना दो कलर में है, एक रेड और दूसरा ये येलो। तो ये येलो देखो, एक होता है बहुत चटक चटक वाला येलो, तो ये वो वाला येलो नहीं है, ये काफ़ी अच्छा लगने वाला येलो है, मतलब जो आंखों को सुकून देता है, प्यारा लगता है वो वाला। तो इसमें मैंने विदाई ब्लॉग बनाया हुआ है, मैं जब अपने घर से आई थी ना, लास्ट वीडियो इसी साड़ी का है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी सारी साड़ियों की मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दूँगी, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि आप इसको कैसे कैरी कर सकते हो। और ये देखो, इसका पल्लू आता है कुछ ऐसा, रेड और येलो मिक्स में आता है, ये है पल्लू। और इसका जो ब्लाउज़ है ना, वो जैसा मैंने ऐसा पहना हुआ है बस ऐसा मिलता जुलता है, लेकिन ये वाला अलग से है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, तो बहुत सुंदर सुंदर ब्लाउज के गले के डिज़ाइन हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वाली है दूसरी साड़ी जो कि सिल्क की, सॉरी ये सिल्क नहीं है एक्चुअली, ये है बनारसी सिल्क। तो बनारसी में है, इसका पूरा पैटर्न भी बनारसी टाइप का है। तो ऐसी साड़ियाँ भी आप मार्केट से या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि कई सारी साइट पे ऐसी साड़ियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन ये मार्केट की है जो कि तीज में मेरी मम्मी लाई थी,
मेरे और मेरी बहन दोनों के लिए सेम एक जैसी। तो इसको हमने 30 ब्लॉग में भी पहना है, अगर आप वहाँ पे भी देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर साड़ी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साड़ी है ये वाली, तो इसका मैं क्लिप डाल दूँगी थोड़ा सा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और ये साड़ी दो कलर में है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है ये तो ये है कांजीवरम सिल्क में, और ये इसमें जरी वर्क है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत 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 सुंदर है। तो ये वाली साड़ी है और ये कांजीवरम सिल्क है, इसमें छोटी छोटी सी, ये देखो छोटी छोटी सी ये डिज़ाइन बनी है, ये डिज़ाइन प्रिंट नहीं है क्योंकि आपको लगेगा सॉरी प्रिंट तो ये डिज़ाइन प्रिंट नहीं है क्योंकि मुझे भी लगा था फर्स्ट टाइम कि ये प्रिंट है, लेकिन ये प्रिंट नहीं है, ये हमारा जरी वर्क है। और ये कुछ ऐसा है, देखो इसका पल्लू कुछ ऐसे है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद ये देखिए, और ये दो कलर में है, तो ये देखिए इधर ये ऑरेंज कलर और ये वाला पिंक कलर, पिंक मतलब डार्क पिंक कलर है। तो इसका ब्लाउज इस ऐसे में आता है जो कि ब्लाउज में सिर्फ डिज़ाइन यहाँ पे बनी हुई है, बाकी ऐसे ही। तो ये मिली थी रक्षाबंधन में जो कि मेरे भाई ने दिया था, और ये इस पर सेम वही जो कारीगरी है सेम दोनों में एक ही तरह की गई है, लेकिन कलर का चेंज है। और जानते हैं जब मैंने इसको पहना ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो आप ऐसी करवा चौथ के लिए बेस्ट होती हैं, करवा चौथ में आप पहन सकते हो। और जो येलो वाली मैंने दिखाई है ना, उसको आप गोवर्धन पूजा में पहनिए, बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो ये रही कुछ हमारी, ये एक साड़ी ये होगी, और उसके बाद साड़ी ये है, तो ये सिफोन वर्क में है, बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर। तो ये जानते हैं मेरा जो मेरा भतीजा है बड़ा वाला मयंक, तो वो गया था मार्केट और वहाँ पे उसको ये साड़ी अच्छी लग गई, तो वो मम्मी के साथ गया था, फिर वो ले आया मेरे लिए। तो ये वाली साड़ी है, और देखो इसमें ये जरी वर्क है, और ये है जरी वर्क, ये कुछ ऐसे किया गया है। इसका जो ब्लाउज है वो गोल्डन कलर में है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई भी डिज़ाइन नहीं उसमें, येलो कलर का कहीं भी नामो निशान तक नहीं है। तो ये वाला है, और इसका पूरा पूरा ये यहाँ तक पूरा वहीं जा, मतलब पूरा सेम है, इसमें कोई भी पल्लू कोई भी कुछ नहीं दिया गया है, जितना मैंने आपको दिखाया बस दोनों तरफ इतना पतला पतला सा बॉर्डर। और ये वाला जो ये वाली डिज़ाइन है जरी वर्क है, ये पूरी साड़ी में है, तो साड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ऐसी साड़ी ना, ये वाली साड़ी आप इसको मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो, जैसे आप इसको रेड कलर में पहन सकते हो, पिंक कलर में पहन सकते हो, पिंक कलर के ब्लाउज में, और इसके साथ आप रेड कलर का ब्लाउज पहन लीजिए, बहुत सुंदर जाएगा। और इसके साथ आप ग्रीन कलर पहन लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। तो इसके साथ आप कोई भी कलर का ब्लाउज चूड़ियाँ सब मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये वाली ऐसी साड़ी अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं भी आप देख सकते हो, मार्केट में भी मिल जाएंगी, क्योंकि शिफॉन में मैंने देखा है बहुत सारी मार्केट में मिलती हैं और बहुत सारी ऑनलाइन भी हैं, लेकिन मेरे मतलब मुझे ज़्यादा ऑनलाइन लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये वाली साड़ी आप इसको ना कैरी कर सकते हो दीपावली पे, बहुत 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 खूबसूरत लगने वाली है, और मैंने सोचा भी है कि मैं इसको दीपावली पे कैरी करूँगी, बट देखते हैं करते हैं या नहीं करते, बट ऐसी वाली मैं पहनने वाली हूँ। ये वाली साड़ी ना मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, तो ऐसी साड़ी मैं एक और लाऊँगी, तो वो साड़ी मम्मी के लिए होगी और ये मैं अपने लिए रखने वाली हूँ। तो एक साड़ी और है,
जो कि बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है। अभी ये साड़ी जो मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये साड़ी पूरा कंप्लीट है, मतलब फॉल, पीको और ब्लाउज सारा इनका कंप्लीट हो गया है। और ये वाली जो साड़ी है इसका भी कुछ नहीं कंप्लीट हो गया है, अभी मैंने इसको खोला तक नहीं है। तो कपड़ा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मुलायम कपड़ा है, पहनने में बहुत आरामदायक होगी। आई थिंक समर्स के लिए बेस्ट है, तो समर में मैं इसको पहनूंगी, अभी तो नहीं, अभी ठंडी में मैं इसको नहीं पहनूंगी, क्योंकि ठंडी में बहुत सारी साड़ियाँ जो रखी हैं ना उनको निकालूंगी। तो ये वाली साड़ी एक मिली है और इसको जब पहनूंगी तो बताऊंगी। तो ये मतलब जैसे वहाँ पे गई मैं तो कोई ना कोई ओकेज़न आता गया, क्योंकि अब की मैं 1.5 महीने रुकी थी तो इतनी सारी साड़ियाँ मिल गई। और मैं 3 साल में गई थी, 3रा साल था मेरा जब मैं वहाँ पे रुकी थी, तो सारा 3 साल का ना इकट्ठे दे दिया गया। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, ब्लाउज कलेक्शन भी आने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मैं जल्दी से ब्लाउज कलेक्शन ला सकूँ। और बाय बाय, टेक केयर।